हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं 5 मिनट इंस्टेंट मग पिज़्ज़ा। अगर आपको पिज़्ज़ा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है पर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पिज़्ज़ा का डो बना के उसको 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रखो और फिर उसका पिज़्ज़ा बनाओ, और जिसमें कि 30 to 40 मिनट्स लग जाता है, और आपको इंस्टेंटली पिज़्ज़ा खाना है, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। या फिर घर पे बच्चे ज़िद कर रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए और आपके पास टाइम नहीं है, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। इसमें 5 to 7 मिनट मैक्सिमम लगेगी। तो फिर चलिए बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है पिज़्ज़ा बेस। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच जितना मैदा का यूज़ कर रही हूँ। जिस चम्मच से मैं डाल रही हूँ उसी का ही मैंने मेजरमेंट से 3 चम्मच लिया है। और फिर मैदा 3 चम्मच लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक। और फिर नमक डालने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पिंच ऑफ़ बेकिंग पाउडर एंड 1 पिंच ऑफ़ बेकिंग सोडा। और अगर आपके पास बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह दही का भी यूज़ कर सकते हो। दही भी अच्छे से फर्मेंटेशन होने में हेल्प करती है। मतलब हम बेसिकली बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो, अच्छे से स्पंजी हो। तो दही भी अच्छे से स्पंजी बनाने में बेस को हेल्प करता है। तो आप दही डाल लो उसकी जगह। और हम ये सारे चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पर अगर आप दही ऐड करते हो तो पानी मत यूज करिएगा, सिर्फ दही से ही उसको अच्छे से मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लीजिएगा। तो अभी मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड मैदा और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर मैंने उसमें करीब 2 चम्मच जितना पानी डाल के उसको अच्छे से मैं अभी मिक्स कर लेती हूँ, जैसे कि एक पेस्ट जैसा बन जाए। देखिए, ये बिल्कुल हमें वो जैसे हम आटा का लगाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, पूरा थिक वाला, वो वैसा नहीं बनाना है। थोड़ा सा इसको बस रनी रखना है और फिर हम अभी इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में। मैंने 1/2 टीस्पून जितना ऑयल डाल दिया, और ऑयल डाल के मिलाने के बाद ये जो चम्मच चिपक रहा था हमारे मैदे के साथ, वो नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल छूट गया। और अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा सेट कर लेते हैं ऊपर से ताकि हम इसमें लगा सके पिज़्ज़ा सॉस। तो मैं अभी पिज़्ज़ा सॉस इसमें लगा देती हूँ, अच्छे से पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है रेडीमेड वाला और आप इंस्टेंटली घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाना चाहते हो, तो आप टमाटो केचप में थोड़ा सा लहसुन कट करके डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। तो बस पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज कटा हुआ, और फिर उसके ऊपर टमाटो कटा हुआ, और थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ऊपर से ऐड कर दिया। और मैं इसको डबल लेयरिंग करूँगी और इस पर अभी ऐड करूँगी फिर से प्याज, फिर से टमाटर, और फिर से ऊपर से स्वीट कॉर्न। अगर आप और कोई भी सब्ज़ी ऐड करना चाहते हो जैसे कि पनीर हो गया या फिर कैप्सिकम हो गया, तो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी डबल लेयरिंग हो गई और ऊपर से मैंने डाल दिया स्वीट कॉर्न, और उसके ऊपर जो पिज़्ज़ा की जान होती है, शान होती है, वो है चीज़। तो चीज़ डाल देते हैं ऊपर से और फिर हम इसको पकाते हैं। तो पकाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें मैंने रख दिया है स्टैंड, और फिर उसके स्टैंड के ऊपर ही मैंने रख दिया मग, और फिर उसको 5 मिनट ढक के रख लिया था। और देखिए, जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अभी हम चेक करते हैं हमारी जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से पका है कि नहीं। तो एक टूथपिक की मदद से हम इसको नीचे तक डाल देते हैं, और अभी देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ है। इसका मतलब हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छे से वो बन गया है। तो अभी हम ये जो मग को बाहर निकालते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे चिली फ्लेक्स एंड ऑरेगानो, एंड हमारी जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल बन के रेडी है। 5 से 7 मिनट लगेगा मैक्सिमम। आप इसको ज़रूर से ट्राई करिए और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसकी टेस्ट कैसी लगी। पिज़्ज़ा जैसे ही लगेगी, बिल्कुल कुछ ख़राब नहीं लगेगी। और लास्ट तक देखिए ज़रूर से, मैं आपको दिखाऊंगी जो पिज़्ज़ा बेस है वो कितनी अच्छी से बिल्कुल ब्रेड जैसा बन गया है, मतलब बहुत अच्छा बना है। मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट तक ज़रूर से वेट करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे आप नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी एंड ईजी लगा तो ज़रूर से एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप फ्रेंड्स, फैमिली या फिर रिलेटिव्स किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, आपको ये रेसिपी ईजी लगा है, तो ज़रूर से शेयर करिए। और हमने ना इसमें डबल लेयरिंग की है टॉपिंग्स की, तो टॉपिंग्स बहुत ऊपर तक है और बेस नीचे है। तो मैं आपको बेस दिखाने के लिए ऊपर से पहले थोड़ा सा खा लेती हूँ और फिर मैं आपको नीचे की बेस दिखाती हूँ।
मैं आपको बहुत जल्दी क्विक क्विक दिखा देती हूँ। और इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, और हमने जो पिज़्ज़ा सॉस डाला है ना, उसकी वजह से ये बिल्कुल मॉइस्ट भी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा चीज़ी लग रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने पिज़्ज़ा सॉस में थोड़ा सा ऐड कर दिया था सैंडविच ब्रेड, जो फन फूड्स की आती है उसी को मैंने ऐड कर दिया था, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा चीज़ी था। देखिए ब्रेड बहुत अच्छी बनी है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंजॉय।